हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की, जो कि बेसिक सेंटेंस हैं। आप नर्सरी केजी क्लास से इनको बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि इन सेंटेंसेस में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको ही अपने बच्चों के साथ ये सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोलना है, ताकि बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है। नंबर वन पे है आओ, बच्चे को बुलाते हैं ना, आओ। सो कम, इंग्लिश में बोलेंगे कम। नेक्स्ट है अंदर आओ, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना अंदर आओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे कम इन। थर्ड है बैठ जाओ, जैसे बच्चा खड़ा होता है हम बोलते हैं बैठ जाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे सिट डाउन। फोर्थ वन बाहर जाओ, जैसे टीचर बोलती है ना बच्चों को, बाहर जाओ आप बहुत शैतानी कर रहे हो, इंग्लिश में बोलेंगे गो आउट। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है समझ गए। जैसे आप कुछ समझाते हैं बच्चे को तो बोलते हैं ना समझ गए बेटा, तो बोलेंगे गॉट इट। सिक्स है इसे दोहराओ, इसे दोहराओ, जैसे आप पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना चीज को रिवाइज करो इसे बार बार, तो इंग्लिश में बोलेंगे रिवाइज इट। सेवन बेसिक सेंटेंस है पंखा चलाओ, जैसे आप बोलते हैं ना पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद करो, जैसे पंखा चलाने के बाद बोलते हैं ना पंखा बंद करो, इसमें आ जाएगा टर्न ऑफ द फैन। नाइन सेंटेंस थोड़ा खिसको, जब जगह नहीं मिलती तो आप बोलते हैं ना बेटा थोड़ा खिसको। ठीक है, तो आएगा मूव अ बिट। फिर बोलते हैं यह पढ़ो, आप कोई बुक खोल के देते हैं तो आप बच्चों को बोलते हैं ना यह पढ़ो, तो क्या आएगा इंग्लिश में रीड दिस। नेक्स्ट इज हिलो मत, जैसे आप बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तो वो हिलता है ना, तो आप कहते हैं ना हिलो मत बेटा, देन इंग्लिश में क्या आएगा डोंट मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है यह लिखो, आप कुछ लिखने के लिए देते हैं तो आप कहते हैं ना बेटा यह लिखो, तो क्या आएगा राइट दिस। 13 ध्यान से सुनो, कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं ना ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। 14 जैसे बोलना बंद करो, बच्चा कंटिन्यूसली बोलता रहता है तो आप बोलते हैं ना बोलना बंद करो, बहुत बोल रहे हो तुम, तो क्या लिखेंगे स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो। 16 15 पे है पढ़ना शुरू करो, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना चलो यहाँ से ये पढ़ना शुरू करो, तो पढ़ना शुरू करो स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग बोलेंगे इंग्लिश में। अब बच्चा बोलेगा ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान से देखो, आप बोलते हैं ना बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे वॉच केयरफुली। 18 बच्चे को बोलते हैं ना उठो, बहुत देर हो गई अभी तक उठे नहीं हो आप, तो क्या लिखेंगे गेट अप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज साफ करो,
क्लीन अप, साफ करो, क्लीन अप। नेक्स्ट इज धीरे खाओ। बच्चे कभी कभी जल्दी जल्दी खाता है ना, तो आप बोलते हैं ना धीरे धीरे खाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट इज दिमाग इस्तेमाल करो। बोलते हो ना बच्चे को आप कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपने आप ट्राई करो, तो क्या होगा इसका इंग्लिश में? यूज योर माइंड। नेक्स्ट इज चिल्लाओ मत। जैसे आप बच्चा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा शाउटिंग करता है, तो आप क्या बोलते हैं? डोंट शाउट, डोंट शाउट। इसके बाद है मेरे साथ चलो। आप बच्चे को बोलते हैं ना आओ मेरे साथ चलो, तो कम विथ मी, आओ मेरे साथ चलो। नेक्स्ट इज आप बच्चे को बोलते हैं ना यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ मेरे पास बैठ के पढ़ाई करो, तो क्या लिखा जाएगा? स्टडी हेयर, स्टडी हेयर, यहाँ पढ़ाई करो। फिर आएगा फिर से प्रयास करो। कई बार बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो बोलता है मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो आप क्या बोलेंगे? फिर से प्रयास करो, ट्राई अगेन। सो ये बेसिक 25 सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, आप बच्चों के साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको क्या बोलना है, तो इसके जवाब में बच्चा क्या आंसर देगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी और वीडियो के लिए। थैंक यू।